बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर जो है कोई भी मेजरिंग डिवाइस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस। अ डिवाइस यूज टू मेजर एंड कंपेयर द पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली, उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाली तो हमें और डिवाइसेस भी पता हैं, जैसे कि अदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइसेस आर वोल्टमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, सीआरओ। सीआरओ का अगर आपको फुल फॉर्म याद हो तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो इनमें वोल्टमीटर के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप सब ने 10th में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे क्लास 10th में। वोल्टमीटर विच मेजर्स, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर, एंड अ वेरी गुड वोल्टमीटर विल बी दैट वन विच हैज़ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, सो दैट बिकॉज दिस वोल्टमीटर इज़ एक्चुअली कनेक्टेड अक्रॉस एनी रेजिस्टर इन पैरेलल टू इट। ठीक है, तो लार्ज आर का मतलब है कि जब वो पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट हुआ है तो नो करंट कुड बी पासिंग थ्रू इट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज रेजिस्टेंस, एंड इट कुड मेजर वेरी एक्यूरेटली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ रेजिस्टर। ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ जी। जैसे ये मैंने छोटा सा सर्किट बना के दिखाया है कि कोई सिंपल सर्किट है हमारे पास, कोई रेजिस्टर है जिसमें हमने सेल कनेक्ट कर रखा है और करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वोल्टमीटर हमेशा उस रेजिस्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होता है, और वोल्टमीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर मालूम करना। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस वो तब मालूम करेगा जब इसके अपने अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, और अपने अक्रॉस यानी कि ये जो करंट यहाँ जा रहा है, इट शुड नॉट फ्लो थ्रू दिस, ताकि जो भी पोटेंशियल जो भी करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो आई इंटू आर आपको क्या देगा? वी। तो वो V का जो डिफरेंस आ रहा होगा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, वो वोल्टमीटर मेजर करेगा। ठीक है, तो अपना खुद का उसका रेजिस्टेंस जो है अगर लार्ज होगा तो इस वाली ब्रांच के थ्रू कोई करंट नहीं पास होगा, ये मैंने क्रॉस लगा के दिखाया है। तो टोटल करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर, एंड द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी हेयर अक्रॉस दिस रेजिस्टर विच वुड बी मेजर्ड बाई दिस वोल्टमीटर ईजिली एंड करेक्टली। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वोल्टमीटर जो है बहुत लार्ज आर वाला जो होगा रेजिस्टेंस वाला, दैट वुड बी अ वेरी गुड वोल्टमीटर। ठीक है, तो आइडियल कौन सा होगा? आइडियल वोल्टमीटर वुड बी दैट विच हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हाउएवर वी नो दैट के इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो हो नहीं सकता, लेकिन अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ आइडियल वोल्टमीटर का तो इट विल बी ड्रॉइंग नो करंट फ्रॉम द सर्किट। तो ये आइडियल कहा इसलिए जा रहा है कि आइडियल केसेस में ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ थोड़ा सा बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट वुड बी पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आइडियल का। प्रैक्टिकली तो कुछ थोड़ा बहुत करंट पास हो ही रहा होता है, लेकिन जो आइडियल होगा इट वुड बी ड्रॉइंग नो करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, अच्छा, जो मोस्टली यूज्ड, लेकिन ये वोल्टमीटर अपनी थोड़ी सी, देखिए मैंने भी बताया आपको कि आइडियल में ये है कि इनफाइनाइट आर होता है, लेकिन हमारे पास मोस्टली लार्ज आर वाले वोल्टमीटर्स होते हैं, तो जिनके थ्रू थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है और वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, लेकिन स्टिल दीज वोल्टमीटर्स आर मोस्टली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस। एक तो ये वोल्टमीटर बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और आसान होते हैं उनका इस्तेमाल, वेर एवर वी वॉन्ट टू नो द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो यानी कि उनका साइज़ छोटा, यानी कि हाउएवर वो एक बहुत एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर भी उनका साइज़ स्मॉल होने की वजह से और उनके आसानी होने की वजह से उनके इस्तेमाल में हम ज़्यादा वोल्टमीटर्स यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो दूसरे हम डिवाइसेस पर देख रहे हैं डिजिटल वोल्टमीटर, यही वोल्टमीटर जो डिजिटल हो या सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये जो हैं डिवाइसेस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं एंड दे गिव वेरी एक्यूरेट रीडिंग आल्सो। क्यों? इसलिए कि दे ड्रॉ ऑलमोस्ट भी नहीं कहना चाहिए मुझे कि दे ड्रॉ नो करंट फ्रॉम द सर्किट। दीज टू डिवाइसेस do not draw any current from the circuit and therefore they give very accurate readings. लेकिन इनकी drawback ये है कि they are very expensive. एक तो बहुत महंगे होते हैं,
एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। इस तरह से कि CRO तो साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है वोल्ट मीटर के मुकाबले में, और डिजिटल वोल्ट मीटर जो है वो वैसे यूज़ में उसके मुश्किल है। ठीक है, तो इतने बड़े साइज़ के और इनके यूज़ में परेशानी होने की वजह से दे आर यूज्ड बट नॉट दैट फ्रीक्वेंटली एज वी यूज़ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपको पोटेंशियोमीटर पे, कि ये तो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, CRO है, ये सब वही काम करते हैं जो पोटेंशियोमीटर करता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है इन सब के मुकाबले में, देखें वोल्ट मीटर ज़्यादा अच्छी रीडिंग नहीं दे रहा था, लेकिन साइज़ छोटा होने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, मोस्टली यूज। और डिजिटल वोल्ट मीटर और CRO जो हैं ये देखिए वेरी एक्यूरेट रीडिंग, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत मुश्किल है और दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए ये कम यूज़ होते हैं। तो पोटेंशियोमीटर इन सब का जो है वो एक रेमेडी है कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ नाइदर एक्सपेंसिव नॉर इट गिव्स यू एन इनएक्यूरेट रीडिंग, इट गिव्स यू वेरी एक्यूरेट रीडिंग एंड इट मेजर्स एज वेल एज कम्पेयर्स द पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, तो और ये इनएक्सपेंसिव भी है। तो अब मैं आपको पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन बताऊँगी। जी, मैं अब आपको ये बताऊँगी कि पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है टू मेजर एंड कम्पेयर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, ये क्या होता है। और उसके पहले हम ये देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये काम आता है टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल, और दूसरा है टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स, और तीसरा है टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके लेवल पे जो हैं वो प्रैक्टिकल्स भी हैं आपके लेवल पे, आप ये लैब में करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। तो अब हम ये मैं आपको इसके आगे एक्सप्लेन भी करूँगी कि कैसे पोटेंशियोमीटर जो है वो ये मेजर करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि ये इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये मैंने एक लॉन्ग पीस ऑफ वायर दिखाया है AB, तो इट इज़ यू नो मैंने इनके दोनों एंड्स मार्क कर दिए हैं और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो वायर है इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ वायर, हम कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये पोटेंशियोमीटर। कैसे, कि इसको हमने जब कनेक्ट कर दिया और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रखा, ये नहीं कि ये कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, ये एक ही क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए इसकी, सब तरफ से बराबर थिकनेस होनी चाहिए। और इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो देखिए, अब ये मैंने अगर नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट किया है तो ये इसके साथ कनेक्ट होने की वजह से ये एंड भी, ए एंड जो है इस वायर का ज़ीरो वोल्ट पे आ गया, और ये जो बी एंड है इट हैज़ कम टू द हायर पोटेंशियल एंड, दैट इज़ ये वी है या EMF ऑफ द सेल है, तो ई लिख लें, कुछ भी आप जो भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, वी लिखें या ई लिखें। तो अब ये जो पूरा, यानी कि जैसे ही हमने सेल कनेक्ट किया तो इसमें करंट स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू इट, और इसके अक्रॉस जितना हम जैसे यहाँ से ये पूरा वायर जो ये पूरे वायर की जो लेंथ है इट इज़ दैट इज़ कैपिटल L, एंड इट इज़ गिविंग अस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑल्सो। ठीक है, ये देखें, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L ओवर A, जिसमें से A को हमने जब कांस्टेंट रख दिया है थ्रू आउट दिस वायर, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, यानी ये जो लेंथ ऑफ द वायर है इट इज़ एक्चुअली गिविंग अस द रेजिस्टेंस ऑल्सो ऑफ द सेल ऑफ द वायर सॉरी। तो नाउ वी सी दैट की जो लेंथ है ये हम अगर L रखें तो ये हमें कितना वोल्टेज डिफरेंस दे रहा है। देखिए, यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ये वी वोल्ट, यानी अगर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, यहाँ जीरो थी तो यहाँ मुझे 10 वोल्ट मिल रहा है, दैट इज़ अ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस टोटल वायर। ठीक है, तो पूरे लेंथ को हमने एल लिखा, इट इज़ गिविंग मी हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप, वी। अब ये अगर मैं अपना यूनिटरी मेथड लगाऊँ तो यहाँ अगर 1 रखूँ तो ये एल इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड वी विल गेट वी ओवर एल। तो वी सी दैट के ये जो हमारे सामने, अगर मैं इस के साथ अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन ऑफ दिस लेंथ ऑफ द वायर लूँ और वो उसको मैं x लिखूँ तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ अ सिंपल यूनिटरी मेथड। x यानी कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये v बाई एल के साथ मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जिसको मैं किससे नाम दूँगी, इसका क्या नाम रखूँगी, VAC, जो मैंने यहाँ सपोज किया है VAC। ठीक है, अगर ये x है तो ये x तो मैंने लेंथ ले ली, लेकिन ये लेंथ इज़ एक्चुअली टेलिंग मी द रेजिस्टेंस। तो ये अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस तो पूरे लेंथ ऑफ द वायर की कैपिटल R है,
जो ये यहाँ तक, अगर ये थोड़ी सी लेंथ है तो स्मॉल लेंथ है, तो मैं इसको स्मॉल आर से उसकी रेजिस्टेंस शो करूँगी, ठीक है। तो आगे मैं इसी लेंथ को आर की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, यानी कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने वी ए सी इज इक्वल टू वी ओवर एल इंटू एक्स लिखा है, यही एक्सप्रेशन मेरे पास आर के टर्म्स में भी आ सकता है। जैसे लेंथ की जगह मैं आर लिख लूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो पूरी फुल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ गिविंग मी हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप, ई, कैपिटल ई, ठीक है। अब मैं ई के टर्म्स में बता रही हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा सिंबल्स का फ़र्क डाला है कि यहाँ लेंथ है और यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये ई एम एफ ई लिखा है वी की जगह पर। अब ये यूनिटरी मेथड लगाएं, वन होगा वन सेंटीमीटर ऑफ द, या वन रेजिस्टेंस, वन ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, रेजिस्टिव वायर अगर यहाँ है, तो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ई बाई आर हो जाएगा, आर विल गो इन द डिनोमिनेटर। और अगर मुझे स्मॉल रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस वायर बिटवीन ए एंड सी पॉइंट्स मालूम करना है, तो वो ई बाई आर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर आ जाएगा। और ये है क्या, इट इज़ अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट्स ए सी, तो मैंने वी ए सी इसको लिख दिया है, ठीक है। तो आप चाहे वी ए सी इज इक्वल टू ई आर ओवर आर ये वाला ले लें, या वी एक्स ओवर एल ले लें, जिस भी तरह से आप याद रख सकते हैं, ये भी ठीक है एक्सप्रेशन और ये भी ठीक है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया, और हमें ये समझ आई कि ये जो हम अगर पॉइंट ए से, ज़ीरो पॉइंट से जितना आगे जाते जाते हैं, उतना ही वी ए सी जो भी वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने 10 रख दी, सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वी ए सी मुझे यहाँ पे कुछ मिल गया, मैं आगे बढ़ गई, डी पॉइंट पे पहुँच गई। अगर यहाँ पे डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो मैंने V by L मल्टीप्लाइड बाई 60 हो गया, पहले वो 10 के साथ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था, 10 V by L VAC था, अब वो 60 V by L VAC हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स के पोटेंशियल हैज़ इंक्रीज्ड, इज़ इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट A टू टूवर्ड्स B, तो ये पोटेंशियल जो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, इट इज़ दिस पोटेंशियोमीटर इज़ वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है ना, टोटल ए बी वायर का तो वी था, लेकिन बीच में हम जिस पॉइंट पे जाते जा रहे हैं, वो हम वी बाई एल इंटू वो डिस्टेंस करते जाते हैं, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो चेंज होती हुई मिलती है हर पॉइंट पे। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल जो थ्रू आउट वी था या ई था, दैट हैज़ बीन एक्चुअली डिवाइडेड across each point as you go from A to B, तो वो वी ए सी के फॉर्म में हमें पोटेंशियल डिवाइड होता हुआ मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज़ वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर व्हेन कनेक्टेड लाइक दिस इन अ सर्किट। अब ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है, ये यही हमें इसी को हम यूज़ करेंगे कि इट मेजर्स द ई एम एफ ऑफ अ सेल। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे ई एम एफ ऑफ अ सेल मेजर करने के काम आता है। जी, ये पोटेंशियोमीटर है, वही कंस्ट्रक्शन है, अ लॉन्ग पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैज़ बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट, ठीक है, आप ईएमएफ ई कह लें या वी कह लें, वो कनेक्टेड है एंड करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। अब ईएमएफ मेजर करने के लिए सेल की, हम वो सेल पहले कनेक्ट करेंगे, वो सेल कैसे कनेक्ट करेंगे कि हम टर्मिनल ए से इस पोटेंशियोमीटर के हम वो सेल कनेक्ट करेंगे जिसकी ईएमएफ मालूम करनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए ये रखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है अपनी बैटरी का, तो यहाँ पे भी हम उस सेल की भी नेगेटिव टर्मिनल को ही कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव रखा होगा तो हम यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये दोनों नेगेटिव रखा, और इस पॉजिटिव टर्मिनल से फिर हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ मेटालिक पेन, वी कॉल इट एज जॉकी। जॉकी की जो मेटालिक टिप है, वो हम इस वायर पे स्लाइड करते हैं, टच कराते हैं, ठीक है। तो जॉकी के बारे में आई होप कि आपको मालूम है, और मैंने अभी बताया भी कि ये एक कॉन्टैक्टिंग डिवाइस होती है, जिसको हम जी से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और उसको रख देते हैं इसके साथ, ठीक है, इसको टच कराते हैं पोटेंशियोमीटर के वायर से। अब ये इस तरह से वर्क करेगा कि देखें, अब ए टर्मिनल जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे है, और बी टर्मिनल जो है वो वी पोटेंशियल पे है, और इट इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब जब हमने ये कनेक्ट कर दिया, तो यू सी चूँकि ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है, तो इस वायर पे भी ये देखें नेगेटिव टर्मिनल सेल का कनेक्टेड है, तो ये भी लो पोटेंशियल पे है। तो
यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, आई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन इस सेल के अक्रॉस तो कोई ना कोई ईएमएफ है ना जो हमने मेजर करनी है. तो जो चार्ज इज एक्चुअली गेनिंग दैट एनर्जी हियर एंड यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर रहा है, और ये वाला एंड भी फिर उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे है जितना इस सेल की का पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, ये एंड आपका नहीं आ गया. अब जब हमने गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड इस वायर से कनेक्ट किया, तो अब क्या करना है, हमने ऐसा पॉइंट देखना है इस पे रख कर जहाँ पर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी जो है वो हमारे पास शुड कम आउट टू बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, जिनको मैंने नाम दे दिया एक्स और वाई. जब इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स ए सी और एक्स वाई के दरमियान में जब सेम पोटेंशियल होगा तो देर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो हमने ये जो पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मेजर करना है किसी सेल का, उसमें हमने जो ख़ास थ्योरी यूज़ करनी है वो नल पॉइंट मेथड वाली यूज़ करनी है. ठीक है, नल पॉइंट का मतलब है कि हमने करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर को ज़ीरो करना है. तो दैट मींस के वेयर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो उसकी नीडल या तो राइट डिफ्लेक्शन शो करेगी या लेफ्ट शो करेगी. यानी कि अगर हम इस जॉकी को यहाँ कनेक्ट करते हैं तो मे बी कि ये गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट साइड रिफ्लेक्शन शो कर रही हो. यहाँ अगर हम कनेक्ट करेंगे जॉकी को बिल्कुल इस एंड पे, तो इट मे बी कनेक्ट मे बी डिफ्लेक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो रहा हो, मतलब ये कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट ना पास हो रहा हो, एंड वी गेट द नल पॉइंट, और वी कैन से नल पॉइंट मीन्स बैलेंसिंग पॉइंट. ठीक है, तो उसकी थ्योरी यही है कि एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हमने अभी भी देखा, मैंने पीछे आपको बताया था कि वी ए सी इस इन दो पॉइंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, टोटल वी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दैट स्मॉल लेंथ एक्स. ठीक है, ये मैंने शो किया हुआ है एक्स, तो ये वी ए सी हो जाएगा. लेकिन वी ए सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वी एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, और वी एक्स वाई जो है वो हमें पता है ये जो हमने सेल लगाया है उसकी ई एम एफ के बराबर है. तो ये मैंने कैपिटल ई लिख दिया जो ये सेल की ई के बराबर है. दैट मीन्स कि वी ए सी इज इक्वल टू ई आ गया. अब ई एम एफ ई हमें कैसे मालूम हो सकता है, जब हमने ये नल पॉइंट मालूम कर लिया तो हम सिर्फ ये हमने खुद लगाया है सेल, ये हमने 10 वोल्ट्स का लगाया, हमने 6 वोल्ट्स का लगाया, जो भी है ये वैल्यू हमारे पास है. लेंथ ऑफ द वायर हम ये मेजर कर लेंगे. मीटर ब्रिज में हमेशा इस लेंथ ऑफ द वायर, ये नॉर्मली 1 मीटर का होता है तो स्केल इसके साथ अटैच होता है, तो स्केल से हम ये मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है. ठीक है, ये एक्स हो जाएगी और डिवाइडेड बाय दिस इज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर जो भी हमारे पास, ये भी नोन है, ये भी नोन है, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये एक्स जो हमने अभी भी एक्सपेरिमेंट से फाइंड की वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ई एम एफ ऑफ द सेल मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दिस पोटेंशियोमीटर हेल्प्स इन मेजरिंग द ई एम एफ ऑफ अ सेल. इसमें दो बातें आपने ख्याल रखनी है, वो ये कि पोलैरिटी ऑफ द बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू द सेल, यानी बैटरी की पोलैरिटी और सेल की पोलैरिटी अपोजिट नहीं होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए. ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था. और दूसरी चीज़ ये कि बैटरी का जो ई एम एफ है दैट शुड बी, इस बैटरी की जो ई एम एफ है दैट शुड बी मोर देन द ई एम एफ ऑफ द सेल. मीन्स अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ दिस सेल शुड बी हैविंग पोलैरिटी सॉरी ई एम एफ बिटवीन 0 and 10. ये नहीं होना चाहिए कि इसकी ई एम एफ ज़्यादा हो और इसका कम हो. यानी कि अगर यहाँ ये हमारे पास 2 वोल्ट्स का सेल है और यहाँ 1 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई हुई है, तो यू सी के इस पूरे वोल्ट वायर के अक्रॉस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस फुल लेंथ विल बी गिविंग अस द टोटल वोल्टेज ड्रॉप एज 1 वोल्ट. लेकिन जब इस सेल की 2 वोल्ट्स है तो वो इसमें कहाँ मेजर कर सकेगी. ये पोटेंशियोमीटर विल नॉट बी हेल्पफुल इन गिविंग अस द पोटेंशियल ड्रॉप मोर देन द बैटरी. तो ये वाली इसके साथ कंडीशन भी ज़रूरी है. तो ये आपके सामने पूरा एक नोट है, हाउ डज अ पोटेंशियोमीटर वर्क एज एन वर्क टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल. ठीक है, ये डायग्राम है, ये उसकी कंडीशंस हैं, ये उसका मेथड है, थ्योरी है, और ये उसके स्टेप्स हैं. ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, इसको बच्चों ज़रूर देख लें, इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा. अब मैं इसके आगे आपको दूसरा यूज़ इसका एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द सेल. जी, मैं आपको बताती हूँ कि पोटेंशियोमीटर दो सेल्स की ईएमएफ्स को कैसे कंपेयर करता है. अगेन पोटेंशियोमीटर वही है, अ लॉन्ग पीस ऑफ वायर फ्रॉम ए टू बी हैविंग अ लेंथ कैपिटल एल and being connected with a battery of V volts. ठीक है, नेगेटिव पोलैरिटी A से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पोलैरिटी B से. ये आप रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में
यहाँ पर जो हमने सेल्स लगाए होते हैं उनकी भी फिर वही पोलैरिटी रखनी है। अगर यहाँ पॉजिटिव लगाया है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यू सी, अब कंपेयर करना है तो उसके लिए हमने दोनों सेल्स को इस तरह से लगाना है कि ए टर्मिनल से हमने ये ईवन लिया, एक सेल को ईवन नाम दे दिया, दूसरे सेल को ई टू नाम दे दिया, ठीक है। तो इसके साथ भी की लगा दी, दिस इज़ के वन, इसके साथ की लगा दी के टू, एंड ये दे आर कॉमनली कनेक्टेड टू द गिल्वानोमीटर। गिल्वानोमीटर का दूसरा एंड जो है वो जॉकी से कनेक्टेड है, ठीक है। यही काम हमने पहले भी किया था पोटेंशियोमीटर से, हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसका काम लेते हैं, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पज़ जिसके लिए हमने काम करना है। जैसे पहले हमने मालूम किया ईएमएफ ऑफ द सेल, अब हम मालूम कर रहे हैं कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, ठीक है। अब पहले एक सेल लगा हुआ था, सिर्फ ये सर्किट था पिछली दफ़ा इससे पहले वाले केस में, अब दो हैं तो दो में ये सर्किट इस तरह से आ गया। अब ये अगेन वी आर यूजिंग द सेम थ्योरी ऑफ नल पॉइंट या मेथड, या कह लें कि बैलेंसिंग पॉइंट, जहाँ पर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि हमें इन ए सी और ये सी, यहाँ नहीं लिखा हुआ, इट शुड बी रिटन हेयर सी ए सी, और यहाँ इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जी के, यानी कि जी के इस तरफ गिल्वानोमीटर के ऑन द अबव दैट इज़ ए सी के दरमियान, और बिलो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमें बराबर रखना है, ताकि कोई डिफ्लेक्शन यहाँ जी में शो ना हो, यानी कि कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो, और हमें सिर्फ लेंथ ऑफ द वायर से ही उस सेल की ईएमएफ का पता लग जाए। वो कैसे होगा ये देखें, नल पॉइंट हमने लगाया, मेथड यूज़ किया, तो अगर हमने K1 को क्लोज़ किया और K2 को ओपन रखा, इसका मतलब कि इस सर्किट के थ्रू तो करंट जा ही नहीं रहा इस केस में, इफ़ K1 इज़ क्लोज एंड K2 ओपन, तो नल पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा या बैलेंसिंग पॉइंट इज़ ऑब्टेंड सपोज एट लेंथ L1, ठीक है, यहाँ पर हमें मिल रही है L1 पर। तो हम ये देखेंगे कि हमने कैसे पहले भी मेजर किया था कि वी डिवाइडेड बाई एल, यानी कि वी ए सी जो था वो क्या था, वी डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ, ये मैंने लिख दिया, वी डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ इज़ एल वन हीयर, और ये वी ए सी दे रहा है, ठीक है। वी ए सी यानी कि ई वन, जो कि इसके बराबर है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स, ठीक है, वो इस सेल की ई एम एफ के बराबर है, दैट इज़ ई वन। तो वो हमारे पास आ गया इस तरह से। अब हम इसको ओपन कर देते हैं K1 को, और K2 को क्लोज़ कर देते हैं। अब इस ब्रांच ऑफ द सर्किट के थ्रू जो है कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, अब करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज़ E2, तो यहाँ पे जी के इस एंड पे E2 पोटेंशियल है, तो इस एंड पे भी E2 होना चाहिए। सपोज़ अब ये L2 लेंथ की, ये जो कि यहाँ आ गई है, अब ए सी पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, सपोज़ L2 लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर L2 है, तो हमें E2 कैसे मिलेगी, वही सेम फॉर्मूला V बाई L मल्टीप्लाइड बाई L2 इज इक्वल टू E2 देगा। अब इन दो एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये V बाई L कैंसिल हो जाएगा, विल गेट L1 बाई L2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो दिस इज़ एक्सप्रेशन यू सी कि हम सिर्फ लेंथ्स नल पॉइंट्स पर ये दो लेंथ्स हम मेजर कर लें और उनको डिवाइड कर लें, तो हमें दोनों दो सेल्स की EMFs का रेशियो मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और इसके आगे जो तीसरा यूज़ है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, वो भी आप, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन योर लैब, जिसको कि मैं अभी आपको बताती हूँ। जी, मैं आपको बताती हूँ कि पोटेंशियोमीटर कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर करता है, कैसे पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर वही है, आपके सर्किट जो है वो इस तरह से है कि हमने सेल कनेक्ट करना है, ऑब्वियसली उसी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने मेजर करना है, जो मैंने यहाँ शो कर दिया है, ठीक है। अब इस सर्किट के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे पैरेलल टू दिस ई, एक की लगाएंगे यहाँ पर, और इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट जो है गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से जॉकी कनेक्ट होगा। अगेन वी विल यूज़ द सेम मेथड ऑफ नल पॉइंट मेथड, नल पॉइंट थ्योरी, और जहाँ पे जी शोज़ नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसमें यह है कि हम देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल हम मालूम कर सकें। तो सबसे पहले हम ये की के को ओपन रखते हैं, इफ़ के इज़ ओपन तो इस सर्किट से तो करंट पास नहीं कर रहा, फिर ये वाला सर्किट काम कर रहा है, ठीक है। तो वी सी दैट दिस इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल, ये भी ज़ीरो पोटेंशियल पे है, लेकिन इस सेल का अपना ईएमएफ है, इस वजह से ये वाला एंड जो है गैल्वेनोमीटर का हैज़ अ पोटेंशियल ई। अब दूसरा टर्मिनल हमें इस वायर पे, चूँकि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस बैटरी,
हमने इस जॉकी से वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर ये ए और उस पॉइंट सी के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल यानी ई के बराबर हो, ताकि यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना मिले हमें। तो वो सपोज़ हमें L1 डिस्टेंस में मिलती है, तो हम ये इसको जब की के ओपन है तब हमें एंड पॉइंट हमें सपोज़ L1 डिस्टेंस में मिल रही है, तो उससे हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो VYL into L1 is equal to E. This is the EMF of the cell at this null point. ठीक है, when this key is open, ये इसको हमने कहा L1। फिर हम दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा स्टेप करते हैं, वो ये कि अब हमने की को क्लोज़ कर दिया। अब की को जब क्लोज़ कर दिया तो अब करंट जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा था वो अभी यहाँ से भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब जब यहाँ से आ रहा है तो देर इज़ ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से सेल के थ्रू वो चार्ज लेके चला या करंट लेके चला, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है, IR के बराबर। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये जो टोटल E था उसमें से ये जो IR है ये माइनस हो गया, तो वो अब वही करंट यहाँ से की क्लोज़ होने की वजह से चला और ये रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने कुछ रेजिस्टेंस निकाली भी है यानी कि एक्चुअली आपने सर्किट में अप्लाई की भी है, तो वी सी दैट कि इस ब्रांच में कितना करंट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा अक्रॉस दीज टू एंड्स, इट इज़ ई माइनस आई आर, यानी यहाँ वाला जो पोटेंशियल है वो माइनस हो रहा है, जो टोटल ई होता इस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी वो अब ई माइनस आई आर हो रहा है। ठीक है, तो हम अब व्हेन द की इज़ क्लोज्ड तो उस वक्त हमें जो यहाँ पे सपोज़ L2 डिस्टेंस पे वो नल पॉइंट मिल रहा है तो हम उसको L2 लिखेंगे और वो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा VYL इंटू L2 इज़ इक्वल टू, अब जो E है EMF है वो E नहीं है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में, अब वो कितना EMF है यहाँ पर, E माइनस IR है, क्योंकि अब ये की क्लोज़ हो गई है और इसके थ्रू जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और वो माइनस हो रहा है इसके थ्रू। ठीक है, तो वो हमने ई माइनस आई आर लिख दिया यहाँ पे। अब इसको जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, यू नो आई की जगह आई इज़ एक्चुअली ई ओवर आर प्लस आर, दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज़ विद ईच अदर। ठीक है, तो ये कनेक्ट हुआ, ये हमारे पास करंट आया ई बाई आर प्लस आर और आर वैसे ही रखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे LCM लेके तो ये एक्सप्रेशन आएगा और ये जो V बाई L इंटू L2 है दैट इज़ इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास ER ओवर R प्लस R आ रहा है। अब हम ये जो वन इक्वेशन है और टू इक्वेशन इनको आपस में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो वी गेट L1 ओवर L2, ये V बाई L कैंसिल हो गया, L1 बाई L2 इज इक्वल टू दिस E डिवाइड बाई दिस। ठीक है, ये यहाँ लिखा है E डिवाइडेड बाई ER ओवर R प्लस R, ई कैंसिल और ये जो डिनोमिनेटर वाला R प्लस R है इट विल गो इन द न्यूमरेटर, ये आर प्लस आर डिवाइड बाई आर हो गया इज इक्वल टू, अब इसको ये फिर स्प्लिट करेंगे, आर बाई आर इज़ वन प्लस स्मॉल आर बाई आर हो गया। ठीक है, तो अब हम इस L1 बाई L2 के साथ इस वन को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस वन हो गया इज इक्वल टू आर ओवर आर। अब हमारा मकसद क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस आर मालूम करने का, तो वो आर को यहीं रखेंगे, इस आर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वी गेट आर होल मल्टीप्लाइड बाई L1 माइनस L2 माइनस वन, L1 बाई L2 माइनस वन। तो वी सी दैट के हम एक दफ़ा L1 निकाल लें और एक दफ़ा के को क्लोज करके L2 निकाल लें यानी कि लेंथ ले लें, तो सिर्फ इनको इस फॉर्मूले में रख कर और ये जो रेजिस्टेंस हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में रखी है जितनी भी अप्लाई की होगी उस वक्त उसके उसको यूज़ करके, वी सी दैट के हमें सिर्फ लेंथ की मेजरमेंट से ही रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल बट वन ऑफ द यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। अब हम आगे इसके दूसरे चैप्टर्स को टेकअप करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें और इंतज़ार करें फिज़िक्स पेज चैनल का अगला वीडियो का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।